हल्द्वानी के नैनीताल रोड चौड़ीकरण नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। वहीं नैनीताल रोड से अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में PW विभाग ने एक बार फिर से लाल ठाठ सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 38 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अधिशासी अभियंता PWD विभाग अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ते ट्रैफिक को दबाव के देखते हुए शहर के नैनीताल के रोड के साथ साथ कई अन्य सड़कों की चौड़ीकरण की जानी है, जिसके तहत उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी नगर निगम और PWD विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो चालान दे दिए गए हैं क्योंकि जी ये जो आप लोग के संज्ञान में होगा कि 13 जंक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए शासन से हमें एक स्वीकृति प्राप्त हुई है और हल्द्वानी में जिस तरह की यातायात की असुविधा हो रही है, ट्रैफिक कंजेशन है, उसको दूर करने के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर के रोडवेज स्टेशन भी इसी का पार्ट है और जो भी अतिक्रमण से संबंधित या चौड़ीकरण से संबंधित कार्रवाई हो रही है वो एक संयुक्त टीम है हमारी, जिसमें नगर आयुक्त साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम हैं, नगर हमारे SDM साहब हैं और मैं भी इसमें मेंबर हूं। और जो नोटिसेस की भी कार्रवाइयां हैं वो भी इसी प्रकार से मेरे और